द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से पिछड़ चुके हैं, यह इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। आप भी जरा अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, यह बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं और यह हैरान कर देने वाली खबर सबके लिए हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी थी। वो तमिलनाडु से किस तरीके से चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी वो एक तरीके से इनडायरेक्टली चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए थे। 10-10 कैमरे, गोदी मीडिया चैनल्स का लगातार कवरेज, और उसके बावजूद भी ध्यान, पूजा, आकर्षण सब करके देख लिया। लेकिन अगर ध्यान वाकई में ध्यान में रहते तो निश्चित तौर पर ऐसे आंकड़े तो इनके नहीं आते। जनता ने इन्हें एकदम से झटका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं, या इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और उससे भी बड़ी खबर तो यह है कि जो ओवरऑल आंकड़े आ रहे हैं वो इंडिया गठबंधन और अदर्स को जोड़ दें तो 300 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन ने पार किया है, जबकि एनडीए का 235 पर नैया लुढ़कती हुई दिखाई पड़ रही है। यह बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काशी से इस उम्मीद से खड़े थे कि हमें हराने वाला कौन है, लेकिन अजय राय जो कांग्रेस के उम्मीदवार वहां पर हैं, वहां वो बढ़त बनाए हुए हैं, रुझानों में आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं, जबकि काशी के इस सीट पर नॉमिनेशन के दौरान कितना खेल हुआ था। कई ऐसे उम्मीदवार गए थे जिसमें कॉमेडियन श्याम रंगीला भी थे, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े उम्मीदवार या अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार, निर्दलीय वाले सब लाइन में खड़े रहते थे, उन्हें नॉमिनेशन फॉर्म तक नहीं मिलता था। जिनको मिला भी उसमें से बहुतों का खारिज कर दिया गया। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में वोट नहीं पड़ रहा है। यह बहुत बड़ी रिपोर्ट है, बहुत बड़ी खबर है। News 24 की यह ब्रेकिंग प्लेट हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से पीछे चल रहे हैं। काशी से सोच सकते हैं, जहां ये कहते थे कि मैं अवतार लिया हूं जी, मैं अविनाशी हूं जी, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बनारस के घाट से लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पिछड़ रहे हैं। खुद को भगवान बताना शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत भारी पड़ गया है। और इस वक्त रुझानों में इंडिया गठबंधन ने कमाल किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने जो आंकड़ा छुआ है वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। लेकिन देश को एकदम से हैरान कर देने वाला आंकड़ा तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ चुके हैं। यह सबसे बड़ी रिपोर्ट है, सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस वक्त पूरे देश की नजर काशी की सीट पर है। आप भी बने रहिए अपडेट, हम लगातार आपके साथ साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ चुके हैं, सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।